हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अरम टेक। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्ट्रॉबेरी पीएनजी फाउंट किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले आपने पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको डिलीट कर दें और यहाँ पर आपने जाना है ये सेकंड वाले ऑप्शन में, सॉरी थर्ड वाले ऑप्शन में। यहाँ पर इम्पोर्ट पर जाना है और ये जो मेन आप देख रहे हैं पीएनजी, ये मेन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये मैंने पहले से ना जीनियस नाम की तो बनानी थी तो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था। तो अभी आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको एक थोड़ा सा ना इसको ऐसे रखने के बाद आपने क्या करना है, इम्पोर्ट पर दोबारा जाना है और ये पूरा नेम लिखना है जो हम जीनियस लिखेंगे ना, कि सारा पूरा जो नेम है मैंने सारा डाउनलोड किया था एक। तो ये देखिए हमारा डाउनलोड और हमारा फॉर्म तैयार हो गया है। अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जाना है और ये देखिए ये इस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से हम सब पर टिक लगाने के बाद हम इसे कर देंगे यहाँ पर जाएंगे और हम इसे कर देंगे मर्ज कर देंगे। ठीक है, मर्ज करने के बाद हम ये देखें ये अब ये एक ही फाउंट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अभी आपने इसको यहाँ पर सेट कर लेना है जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, अभी हमने दोबारा वही एक फाउंट लेना है जैसे अब आई लेंगे, आई को हम थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे और ये देखिए हाँ इतना, और हम देखिए स्ट्रॉबेरी का शेप एक आ गया है। अब हम इसे यहाँ से यूं करके थोड़ा सा छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद हाँ इतना बहुत है, इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। अभी हमने क्या करना है, हम यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इसे रिमूव कर क्यू। ठीक है, हम क्यू को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब बड़ा हमने क्यू को कर दिया, अभी हमने क्या करना है, यहाँ से जो मैं फॉर्म यूज़ करूँगा इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखें हमने इसे यहाँ से इतना थोड़ा सा और कर देंगे। हाँ ये देखिए इतना बहुत है। अभी हम इसकी क्या करना है, हमने इसे भी यहाँ पर जाने के बाद इन दोनों को भी हमने मर्ज कर देना है। ठीक है, अब मर्ज कर देंगे तो अभी ये देखें अब हम इसकी बनाएंगे डुप्लीकेट। हाँ, एक कॉपी, दो कॉपी। अब हम एक को यहाँ सेट करेंगे और दूसरे को हम यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, और जो अब फोर्थ नंबर वाला आएगा हम इसे यहाँ पर बीच में रख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फाउंट तैयार। अभी हम इसको ट्रांसपेरेंट करने के बाद यहाँ से सेव कर लेंगे। अभी हम यहाँ से पिक्सल लैब PSCC ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो हमने यहाँ पर आपको DP जैसे कि मैं ये वाली DP ये ठीक इस पर मैं नाम लिखूँगा, तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर ली। अब हमने जो फॉर्म तैयार किया था ना अब हम वो यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, वीडियो पूरी देखना, आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए, कहीं से भी मिस ना करना वीडियो। अभी हम इसे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी दो डुप्लीकेट लेयर बनानी है। ठीक है ना, अब दो डुप्लीकेट लेयर के बनाने के बाद इसे हम लाइटनिंग करेंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से इसको कर देंगे स्क्रीन। अब हम सेकेंड वाली लेयर पर जाएंगे, सेकेंड वाली लेयर पर इसे बेवल देंगे, बेवल देंगे हम 120। ठीक हो गया, और अब हम इसे कर देंगे मल्टीप्लाई।
अब हम थर्ड वाली लेयर पर जाएंगे, हम देंगे इसे बेवल, बेवल देंगे हम इसे 16, हाँ ठीक होगा। और यहाँ पर हम कर देंगे इसे ब्लैक, और यहाँ से हम इसे कर देंगे 10। अब 10 करने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम एक बेवल, दो बेवल, तीन बेवल देने के बाद अब हम इसे कर देंगे पावर लेयर, ठीक हो गया। अब पावर लेयर करने के बाद हम इसे थोड़ा जूम करेंगे। जूम करने के बाद हम यहाँ से मैजिक टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम सेकंड वाले लेयर पर जाएंगे और यहाँ पर हम देंगे कलर जैसे कि ब्लू। हमने यहाँ पर ब्लू दिया और यहाँ भी ब्लू देंगे और यहाँ पर भी साइडों पर ब्लू दे देंगे और यहाँ पर हम सब जगह पर ब्लू कलर देते रहेंगे। अभी हमने से यहाँ पर भी ब्लू कलर दे दिया है और यहाँ पर भी ब्लू दे देंगे। और अभी हमने क्या करना है, यहाँ से अभी हम यहाँ पर देंगे ग्रीन, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर ग्रीन दे देंगे, यहाँ पर भी ग्रीन दे देंगे और यहाँ पर भी ग्रीन दे देंगे सेकंड वाले लेयर पर, ठीक है। यहाँ पर भी ग्रीन दे देंगे। आप ख्याल रखना आपने सेकंड वाले लेयर पर ही सब में कलर देना है, ठीक है। और अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी ग्रीन देंगे। हमने सब में ग्रीन दे दिया। अब हम यहाँ पर देंगे रेड स्ट्रॉबेरी में, क्यों हम रेड ही देंगे ना, तो यहाँ पर भी हमने रेड दे दिया, यहाँ पर भी हम रेड दे देंगे और यहाँ पर भी हम रेड दे देंगे और यहाँ पर भी हम रेड दे देंगे, ठीक है। अब नीचे वाले पे जाएंगे, हम यहाँ भी रेड देंगे और यहाँ भी रेड देंगे, यहाँ भी रेड। यहाँ भी रेड दे देंगे, यहाँ भी रेड दे देंगे और यहाँ पर हम, ये मिस हो गया था, हम यहाँ पर दोबारा ब्लू ऐड कर देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अभी हमने यहाँ पर इसे ग्रीन दे देना है और यहाँ भी हम ग्रीन दे देंगे क्योंकि ये सब को हम यहाँ पर ग्रीन देंगे। इस तरह सब में ग्रीन देते रहेंगे। ये देखिए हमने सब में ग्रीन कलर ऐड कर दिया। अभी आपने यहाँ पर गौर से देखना, ज़रा ध्यान से ये देखें, मैं आपको जूम करके बता दूँगा। ये देखिए अभी हमने जूम किया, हम सेकंड वाले लेयर पर गए और यहाँ से ये वाला सेलेक्ट किया, थर्ड वाले लेयर पर गए दोबारा और यहाँ से हम पेंट देंगे। पर इस मतलब हम इसे थर्ड वाले ऑप्शन पर जाने के बाद और यहाँ से हम इसे कर देंगे वाइट और ये जो हम यहाँ पर हम इसे देंगे 10 तक, ठीक हो गया। मैं आपको दोबारा एक बार करके बता देता हूँ, हम सेकंड वाली लेयर पर जाएंगे, दोबारा थर्ड वाली लेयर पर जाएंगे और यहाँ से एंड पर जाएंगे और कलर देंगे, यहाँ से हम इसको 10 कर देंगे
ओके कर देंगे। अभी हम फिर सेकंड वाली लेयर पर जाएंगे और यहाँ से थर्ड वाली लेयर पर जाने के बाद दोबारा से कलर दे देंगे उसी तरह। इस तरह आप सब में कलर ऐड कर देना। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, सेकंड वाली लेयर पर जाना है और दोबारा थर्ड वाली लेयर पर जाना है और यहाँ से इसको 10 रखना है। बस सिंपल सा है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अब ये क्या करना है, इससे हम सबको कलर ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने सब में कलर ऐड कर दिया है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था वाइट वाली शाइनिंग भी दे दी है, ठीक है। अभी हमने यहाँ से फर्स्ट वाली लेयर पर जाना है, उसे देंगे ग्लो। ग्लो हम कितना देंगे, 0.5 देंगे। यहाँ से हम कर देंगे वाइट, ठीक है। अब हम थर्ड वाली लेयर पर जाएंगे, थर्ड वाली लेयर पर जाने के बाद हम इसे कर देंगे लाइटनिंग। अब ये देखें लाइटनिंग तो हमने कर दी है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से दोबारा फर्स्ट वाली लेयर पर जाना है, इसे एक बार फिर ग्लो देना है, ठीक है। अब ग्लो देने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हम सेकंड वाली लेयर पर जाएंगे और यहाँ से हम एक नई सेकंड वाली लेयर को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एक लेंगे PNG, ठीक है। लाइटनिंग PNG, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमने इसे क्या करना है, यहाँ से यहाँ रख देना है, ठीक है। तो यहाँ से ओके कर देना है। अब मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपने यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और ये PNG वाली, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार फिर बता रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपने यहाँ पर इसे सेट कर देना है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, हाँ यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ से फोटो लेयर पर जाना है, फोटो लेयर से PNG लेनी है, सेकंड वाली लेयर पर रहकर, ठीक है ना। और हम इसे भी यहाँ से थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसे हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर हम इसके रखने के बाद से भी थोड़ा सा इधर, हाँ अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए आपको हमारा फाउंड हो गया तैयार। अभी हमने यहाँ से क्या करना है, नीचे जाएंगे या मैंने इस, आप यहाँ से ब्लर दे देंगे। मैंने तो सिर्फ इसी तरह के, आप ब्लर ना भी दें तो चलेगा, मैंने तो इसलिए ब्लर दिया क्योंकि मैंने आपको बताना था कि इस तरह फाउंड तैयार हो सकता है, ठीक है ना। आपको ब्लर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।